वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह सब पे फजल व करम करे। और आज मैंने देसी घी बनाया है। देसी घर मक्खन लेके आई थी मैं कल, ग्रॉसरी की थी और देसी घी घर का बनाया है। ये बहुत अच्छा है, खालिस देसी घी है। और आज मैं आपको चना चाट बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबको, मेरे बहन भाई को मेरी चैनल अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को और लाइक भी करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब पहले हमने दो टमाटर ले लिए हैं और फिर इसमें ग्रीन अनियन भी लिए हैं और गड्ढे भी लिए हैं दो और हरी मिर्च भी ली है। तो ये अब हम प्याज काट रहे हैं और इसके बाद हमने के मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू के साथ मैंने कटिंग शुरू की हुई है, कटिंग साथ ही ये आलू की कटिंग हो रही है। ये आलू कितने सबके अपनी अपनी पसंद होती है, छोटे काट लें बड़े काट लें। और ये मैंने इमली का पानी भी रेडी करके रख लिया है, बस अभी मैंने इसका भी बनाया है, ये बस रेडी हो रहा है और ये ठंडा होगा फिर मैं। ये हमने इमली का पानी बना लिया, ये चाट मसाला हम डालेंगे और हम थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड करेंगे और सब अपने हिसाब से डालें जो जितना बच्चे भी खाना है। यहाँ पे मैं आ जाई हूँ अपने बड़े भाई के घर और कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बस उम्मीद करती हूँ सारे बहन भाइयों को बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब प्लीज़। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ और मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। ये मैं सबक मिर्चें काट रही हूँ, साथ पीछे बहुत शोर भी हो रहा है मुझे पता है और वो बच्चे फिर भाई के उनके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना कटिंग कर ली है। और ये जो थी ना, ये मैंने अमेज़न से ली थी, बड़ी अच्छी है कटिंग करने के लिए, परफेक्ट है, बारीक से बारीक आप काट सकते हैं। ये बस मैंने आलू काट लिए हैं, तो मैं इसको मिक्स करके 10 मिनट में आपको जल्द फिर मिलती हूँ। ये मैंने थोड़े से फ्रीज कर लिए नेक्स्ट टाइम के लिए और कुछ चीज़ ना इसमें मैं रख लूँगी और ये थोड़े से मैं चाट के लिए रखूँगी, ठीक है। और सब मैं कहती हूँ आपको भी अच्छी लगे और सब्सक्राइब जरूर करें। देसी घी मेक श्योर सारे इसको ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है खालिस देसी घी। देसी घी के बहुत से फ़ायदे हैं, आप भी करें और ये आसानी से बन जाता है, बस टाइम थोड़ा सा लगता है, बस इस पर मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, बस थोड़ा सा बकरे का बनाया है। और ये साथ अब चाट की तरफ आती हूँ मैं। ये मैं प्याज वगैरह रेडी कर ली है, अब मैं मिक्स करने की तरफ जा रही हूँ। ये मैंने ऐसे डाल दिया, सूट दिया है और बस अब मैं ये टमाटर को भी अंदर डाल दिया है, हरी मिर्च तो ये सारा कुछ कट्ठा ही सूट दूंगी। और बस अब मैं ये चने भी डालने लगी। आप लोग अपनी मर्जी से डाल लें, हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो उस हिसाब से मुझे ये चने डाले हैं मैंने। चने कितने डाले हैं? चने मेरे बस फैमिली के हिसाब से हर चीज डाल रही हूँ, अगर कोई अपने हिसाब से डाल सकता है आपको पता है। और आलू कितने होने चाहिए? आलू मैंने नहीं है, 6-7 नहीं है क्योंकि माशाल्लाह भाई की खा रही हूँ, भाई के घर मैंने सबको डालना है और सबको नहीं बना रही हूँ। ये मैंने इमली का पानी बनाया था, ये मैंने मिक्स कर दिया और मैं अभी चार मसाले की तरफ आऊंगी। नॉर्मली आप घर के मसाले कौन कौन से यूज करते हैं? और नमक मिर्च वगैरह सारा घर का ही होगा। ये बकरा बड़ा अच्छा बन रहा है, सारे आ जाएं आके बकरा एंजॉय करें यार। बस अब इसको बस मैंने इसको नरम कर लिया, अब इसके मैं बाद में इसकी तरफ आती हूँ। मैं चार मसाले चार को पूरा कर रही हूँ। चार मसाला, ये चार मसाला भी आपने इसके अंदर सूट दिया है? हाँ जी, इसमें सूट दिया है। और ये मैंने ये नमक डाल रही हूँ, नमक वैसे डालो ना तो एक जगह पे जाता है, इसके नमक डालने से डालोगे तो हर जगह पहुँच जाएगा।
ये थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली है क्योंकि बच्चों ने भी ये खानी है, तो फिर इसलिए हम मिर्ची भी ज़्यादा डालेंगे। अब हम आते हैं मिक्स करने के तरफ। तो आ जड़ा असी क्यों बनाया है आ किन्ने के एक 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 टिक्की सी दो टिक्कियां सी या दो टिक्कियां सी मक्खन दिया दो टिक्कियां सी बड़ी है सारे अंदर कुश्ती कर दे पे ने। हां जी आ हुन मिक्स हो रहा है बस सारा कुछ सोखता है मेरे बीच ते बस आज करके हो गया। बस आज मेरी चाट रेडी है, मैं हुन साफ करांगी तो फिर मैं दसांगी कि फिर उदो मिलने हैं ओके बाय।